हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कम खाद, कम पानी और पूरी धूप में अच्छे से चलने वाला प्लांट है। तो आइए हम देखते हैं उस प्लांट को और उसके बारे में जानते हैं। तो उस प्लांट का नाम है अगेब प्लांट। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। इस प्लांट को डेजर्ट का प्लांट भी बोला जाता है। इसका आकार बिल्कुल कमल के फूल के समान होता है। ये देखिए इसकी आकार, शेप बिल्कुल कमल के फूल के बराबर है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको एक बार आप मिट्टी में लगा दीजिए, उसके बाद आपको इसकी बिल्कुल भी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है। इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा हो। आप इसे सैंड या मिट्टी में भी लगा सकते हैं तो भी ये अच्छे से चलेगा। इसे कोई भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपोस्ट मिला के मिट्टी आप तैयार करते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी पत्तियाँ ऊपर से बिल्कुल नुकीली होती हैं, बिल्कुल इंजेक्शन के समान नुकीली होती हैं। अगर हाथ में लग जाए तो ये कट जाता है। तो इसे थोड़ा, इसकी केयर करते समय इस बात का ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा हाथ को बचा के केयर करना होता है। जैसे गुड़ाई या कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो जैसा कि ये डेजर्ट का प्लांट कहलाता है, तो इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हफ्ते में 2 बार पानी डालें तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, मतलब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। ये नहीं, ऊपर से क्या होता है कि मिट्टी सूखी रहती है और हम पानी डाल देते हैं तो वो प्लांट अंदर से गल जाता है। तो ये चेक करें कि मिट्टी अंदर से सूख गई हो, थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखें, जब अंदर से मिट्टी सूखी हो तभी पानी डालें। इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिसे अलग करके हम नए प्लांट बना सकते हैं। देखिए ये बेबी प्लांट निकल रहा है। इसकी पत्तियां पूरे गमले में भर जाती हैं। आप चाहें तो नीचे से इसको कट करके इसको दूसरा शेप दे सकती हैं। लंबाई में बढ़ता जाता है और छोड़ दें तो पूरा गमला भर जाता है। तो आप जैसे चाहें वैसा शेप इसको दे सकते हैं। ओ, प्लांट को लगाते समय इस बात का ध्यान दें कि गमला थोड़ा बड़ा हो, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बेबी प्लांट लगा रहे हैं तो बड़े गमले में लगा दें तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। बेबी प्लांट अगर छोटा है तो छोटा पॉट ही लें, जब वो बड़ा हो जाए तब उसको बड़े गमले में रिपोर्ट कर दें। और मैंने तो टेरिस पे रखा है तो थोड़ा सा मीडियम साइज का ही गमला लिया है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे पॉट रख रहे हैं तो बड़े से बड़ा गमला ले सकते हैं। और जब ये ज़मीन में लगाया जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत ही बड़ा आकार ले लेता है। लोकेशन की बात करें तो पूरे धूप में, इसको पूरे दिन की धूप में रखें तो भी ये बहुत ही अच्छे से चलता है। एक बार मिट्टी अच्छे से तैयार करके इसको, इस प्लांट को लगा दें, फिर बाद में किसी भी फर्टिलाइज़र की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कम देखभाल में चलने वाला ये कितना सुंदर और हार्डी प्लांट है। तो आप भी इस प्लांट को कहीं पार्क से, रोड साइड से भी ले आके लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।